अस्सलाम वालेकुम। कानून नाफिज करने वाले अदारों की जो इस्तेदादेकार है वो पहले की नस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली पुलिस की। कौन सा सिस्टम है जिसके बेस के ऊपर जो पुलिस है वो बहुत बड़ी कोई वारदात हो जाए, बहुत बड़ा इवेंट हो जाए, उनके मुजरमों को पकड़ने में बहुत कम टाइम लगाती है, उस सिस्टम को कहते हैं जियोफेंसिंग। जियोफेंसिंग है क्या असल में? जियोफेंसिंग है कि एक जैसे ग्राउंड हो गया, कॉलेज हो गया, या कोई भी ऐसा यूनिट ले लिया जाता है और उसको वर्चुअली उसकी जो है बाउंड्री आइडेंटिफाई कर ली जाती है। उसकी जो बाउंड्री होती है वो वर्चुअल होती है। होता यह है कि जहाँ पे कोई वारदात होती है, कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, वहाँ पे उस एरिया को जो है वो वर्चुअली मार्क कर लिया जाता है और उस एरिया के अंदर जितने लोग मौजूद होते हैं उनको उनकी डिवाइसेस के ज़रिए आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो इसको जियोफेंसिंग कहते हैं कि उसमें वो जो लोग थे उस एरिया के अंदर वो कितने बजे एंटर हुए और कितने बजे उस जो वर्चुअल बाउंड्री है जो हमें नज़र नहीं आ रही उसमें से कितने बजे निकले। वो वर्चुअल बाउंड्री पुलिस ये करती है कि जहाँ पे भी कोई वारदात होती है, जहाँ पे कोई डकैती होती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो वहाँ पे उस जगह के ऊपर एक फेंस क्रिएट कर ली जाती है और वहाँ पे कितने लोग एंटर हुए और किस टाइम पे हुए और उनका डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर जो शवाहद वहाँ से मिलते हैं उस जगह से, उस घर से, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गए, कुछ ब्लड सैंपल्स हो गए या ऐसा कुछ भी जो है वो मटेरियल हो गया, तो वो जो लोग आइडेंटिफाई हो चुके थे उस जगह के अंदर तो उन्हीं लोगों के साथ वो सैंपल मैच किए जाते हैं। जैसा कि एक फिंगरप्रिंट मिला है जो नादरा से वेरीफाई नहीं हो रहा, और अब कैसे पता चलेगा कि वो पूरे मुल्क के अंदर वो फिंगरप्रिंट किसका है, तो ये किया जाएगा कि उस जगह की जियोफेंसिंग करके और वहाँ पे जितने लोग वहाँ पे एंटर हुए, 200 300 400 जितने उस टाइम मौजूद थे, उन सब के साथ जो है वो उनको बुलाया जाएगा या उन तक अप्रोच की जाएगी और वो फिंगरप्रिंट जो है वो उनके साथ जो है वो मैच किया जाएगा। तो ये देखें, अब एक अननोन पर्सन फर्स्ट सिचुएशन में एक बंदा है कि पता ही नहीं कौन है, और अब इस सिचुएशन में नाउन पर्सन हो चुके हैं, वो 200 हैं या 300 हैं, और अब चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। अब होता यह है कि जियोफेंसिंग से तो जस्ट आइडेंटिफाई हो जाता है कि जी इस जगह के अंदर ये लोग एंटर हुए हैं, और फिर बाकी जो फर्दर टेक्नोलॉजीज हैं उनके ज़रिए उनकी बाकी जो मालूमात हैं उनको बायफ्रिकेट कर लिया जाता है या हासिल करके उनके साथ अटैच कर दिया जाता है। जैसे कि डिवाइसेस आइडेंटिफाई होगी और वहाँ से उसके अंदर सिम्स आइडेंटिफाई होगी, सिम से उनके ऑनर्स वो आइडेंटिफाई हो गए, ऑनर से नादरा के रिकॉर्ड्स उनके रिलेटिव्स आइडेंटिफाई हो गए, उनके पेशे, फिर उनके ऊपर अगर कोई केसेस हैं वो भी आइडेंटिफाई हो गए। तो ये यहाँ तक जो है बाइफ्रिकेशन इंफॉर्मेशन की चली जाती है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनमें से कितने क्रिमिनल थे, कितने सजा याफ्ता थे, कितने जो हैं जो जिनको रिकवरी को पर्चा नहीं हुआ, और उनकी एजेस क्या थी, और उनमें मेल कितने थे और उनमें से फीमेल कितने थे, तो और इस तरह से बहुत डीपली जो है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से इकट्ठी हो जाती है। तो इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे जो है वो पुलिस मुजरम तक पहुँच जाती है और बहुत कम टाइम में चीज़ों को जो है वो ट्रेस कर लिया जाता है। इस सिस्टम को कहीं पर भी अप्लाई करके अपने मतलूबा रिजल्ट लिए जा सकते हैं। जैसे आपका बच्चा जो है वो स्कूल जाता है और आता है और इसके अलावा उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इस एरिया को जियोफेंस कर लिया जाए, और अगर आपका बच्चा उस रूट से बाहर निकलेगा या उस रूट से दोबारा जब वापस अंदर होगा तो आपको एक अलर्ट जो है वो पहुंच जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल होता ये है कि जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं, बाज़ एग्जांपल्स में, हर एक में नहीं, बाज़ एग्जांपल में ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं वो भी वजह बनते हैं बच्चों की किडनैप की या कुछ और। तो अगर कोई ट्रांसपोर्टर हज़रात आपके बच्चे को लेने गया हुआ है वहाँ पे स्कूल से, कोई रिक्शे वाला, कोई वैन वाला, और आपको पता चलता है कि ये तो बच्चे को लेके उस जो वैन है वो आपकी इस जो फेंस आपने बाउंड्री की हुई थी, जो रास्ता बनता है स्कूल का और घर का, वहाँ से बाहर जा चुका है, तो आपको फुल अलर्ट जारी हो जाएगा कि वो कहाँ पे गया। बहुत सी वॉचेस मिलती हैं जो बच्चे को पहनाई जाती हैं, और भी इस तरह के कुछ जो है वो तरीके हैं जिनके जिनकी सपोर्ट पे ये इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इनफैक्ट इसमें जो जियोफेंसिंग में टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो वही डाटा होता है जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपका सेलुलर डाटा इसमें शामिल है, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी से मदद ली जाती है, और फिर जो है वो आपका GPS हो गया, ये भी उसमें शामिल है,
तो इस तरह जो है तीन चार चीज़ें जो है वो इनसे डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया ऐसे ही जाता है। जो कंपनीज हैं जो ट्रैकर लगाती हैं गाड़ी के अंदर, वो भी जियो फेंसिंग का इस्तेमाल करती हैं। आपने देखा होगा कि अगर वो उसमें अब जो मालिक ऑनर होता है वो अपनी मर्ज़ी से एक जियो फेंस लगवा लेता है, वो कहता है कि जी मेरा डिवीज़न जो है, मेरे डिवीज़न से जब मेरी गाड़ी बाहर निकले, मेरा बेटा या मेरा जो मुलाजिम है या कोई भी मेरी गाड़ी लेके बाहर निकलेगा तो मुझे एक अलर्ट आना चाहिए। अच्छा, फिर वो कहता है कि नहीं, डिवीज़न नहीं, जो पूरा प्रोविंस है, प्रोविंस से गाड़ी जब मेरी बाहर निकलेगी जब भी, तो मुझे एक अलर्ट आना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी गाड़ी क्यों बाहर ले गया। समटाइम्स वो गाड़ी मांग के ले जाता है और आखिर में पता चलता है जी कि वो तो गाड़ी लेके कहीं निकल गया, गाड़ी जो है वो आपकी गुम हो चुकी है। तो ये जो फेंसिंग है, ये ऐसी सूरत में भी बहुत काम आती है। तकरीबन जितनी भी ट्रैकर कंपनियां हैं वो सारी जी फेंसिंग का इस्तेमाल करती हैं, और इस तरह और काफ़ी सारे जो सिक्योरिटी मामलात हैं वहाँ पे भी जी फेंसिंग का इस्तेमाल होता है। जितने पाकिस्तान में केसेस हुए हैं, मीनार पाकिस्तान वाला केस हुआ है, जैनब वाला केस हुआ है, कसूर वाला, उसके बाद जो है सियालकोट वाला केस हुआ है, मऊ वाला, अभी मियाँ चन्नू वाला जो केस हुआ है, तो जहाँ पे देखें कि बहुत बड़ा हजूम था जो ऐसे वाकयात में शामिल था। अब कैसे पता चलेगा कि जी वहाँ पे इतने सारे बंदे जो मौजूद थे वो थे कि नहीं थे, तो उसके लिए भी पुलिस जो है वो इसी चीज़ का इस्तेमाल करती रही है और अब भी करेगी जियो फेंसिंग का, कि उस टाइम उस जगह के ऊपर उस मॉब में जो है कितने लोग मौजूद थे। जैसे कोई कहता है नहीं जी मैं तो वहाँ पर था ही नहीं, तो वो वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा, और ऐसी शहादतें जो हैं वो कबूल भी होती हैं हमारे कानून में। और क्योंकि अब मेजोरिटी केसेस में काम ही यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले कंफर्मेशन की जाती है कि बंदा वहाँ पे मौजूद था कि नहीं, फिर जो है तफ्तीश का दायरा कार जो है वो आगे जियो बढ़ाएगा। फेंसिंग से सिर्फ जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं सिर्फ वही काम नहीं लेते, जियो फेंसिंग का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा जो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो लिमिटेड कंपनीज हैं, वो इस्तेमाल करती हैं। और वो कैसे इस्तेमाल करती हैं और वो कैसे इनसे करोड़ रुपया कमाती हैं सिर्फ जियो फेंसिंग से, और आजकल जो है ये तो कंपटीशन में जो है वो मार्केटिंग को तो अब सिर्फ जियो फेंसिंग की बेस पे ही लॉन्च किया जाता है। पहले तो होती थी मार्केटिंग, एक ओपन मार्केटिंग के लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, उनमें से जो है वो लोग देखते हैं कितने टारगेट होते हैं, 5% 10%, और वही आपका जो टारगेट ऑडियंस होती थी। लेकिन अब जियो फेंसिंग की वजह से अब कंपनीज का जो टारगेट हैं ये लोग बहुत प्रिसाइज हो चुके हैं, और जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो कई गुना, मतलब उसको 100+ भी कह लें तो उसमें कोई मजाक नहीं है, कई गुना बढ़ जाता है सिर्फ जियो फेंसिंग से, और टारगेट जो है वो उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्पेशली जो है जियो फेंसिंग जो है मार्केटिंग उसके ऊपर है कि वो ये कंपनीज कैसे करती हैं और कैसे उससे जो है वो करोड़ रुपया कमाती हैं। काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, और जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वो भी नहीं है, तो काइंडली इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की होगी और जिसको आप कहीं इस्तेमाल भी कर सकेंगे, वो हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।